आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। जो अभियान चला रहे हैं वो एरिया डोमिनेशन का अवेयरनेस एक्सरसाइज है, तो एरिया डोमिनेशन में हम फ्लैग मार्च करते हैं जिसमें हमारे जो आरएसए के जवान हैं, जो पुलिस लाइन के जवान हैं, जो हमें एसटीएफ ऊपर से प्राप्त हुए हैं, तो ये सारे जवान मिलके हम एक फ्लैग मार्च करते हैं। फ्लैग मार्च करने के बाद हम वहाँ के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके जो हमारा एनडीपीएस का एक अभियान है जिसमें हम बता रहे हैं जो एनडीपीएस का सूचना हमें दें और लोगों को भी जागृत करें जो इसका सेवन ना करें। दूसरा है जो साइबर रिलेटेड है, जो हम बता रहे हैं जो ओटीपी शेयर ना करें और लोग लालच में ना पड़े। तीसरा है जो ट्रैफिक का, जिसमें हम हेलमेट पहनने के लिए लोग को प्रेरित कर रहे हैं और सीट बेल्ट लगाएं और जो भी उचित जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करें। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अभी इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन को लेके जो सिविजिल ऐप है, जो इलेक्शन कमीशन भी एम्फेसिस कर रही है, तो उसको डाउनलोड करवाना और जो अब लोगों का मताधिकार है उसको यूज़ करना, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस जो हमारे परिवार है, जो पर्व है, जो इलेक्शन का पर्व है, इसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, तो ये एक अभियान हमारा चल रहा है। अच्छा, विभिन्न थानों में जाकर के इसमें हमने आपको जैसे पहले ही बताया जो एनडीपीएस जो हमारा एक मुद्दा है, दूसरा साइबर का है, तीसरा ट्रैफिक का है और चौथा इलेक्शन रिलेटेड है। इलेक्शन रिलेटेड में एक सी विजिल ऐप आता है जिसपे आप कोई भी कंप्लेन है किसी तरह का तो उस पर आप डालें और वो 100 मिनट के अंदर उसका डिस्पोजल करना होता है। दूसरा है जो हम जो वोटिंग परसेंटेज है वो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, तो उसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। एक दिवसीय एक अभियान चलाया, दिवसीय कार्रवाई था जो 18-19 के बीच में चलाया गया, ये आईजी साहब के द्वारा चलाया गया अभियान है जिसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो इनामी बदमाश है, स्टैंडिंग वारंटी है, अरेस्ट वारंटी है, जो इलीगल कामों में लिप्त है, तो इस पर हमें कार्रवाई करने के लिए मिला था। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट गंगापुर सिटी का है तो इसमें हमने टोटल 210 प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई किया है। 210 में से हमने 146 को 151 में गिरफ्तार किया है। इसमें हमने 4 FIR आर्म्स एक्ट में दर्ज किए हैं, 15 FIR एक्साइज में हमने दर्ज किया है, तो विभिन्न हेड में हमने काफ़ी अच्छा कार्रवाई किया है। साथ साथ जो अरेस्ट वारंट है उसमें हमने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो जो डिफरेंट हेड्स हैं जिसमें हमें कार्रवाई करना था तो उसमें हमने कार्रवाई किया। सर, ये अभियान ये तो एक दिन का अभियान आईजी साहब के द्वारा चलाया गया था, लेकिन हमारा जो एम्फेसिस है जब तक इलेक्शन है तब तक इन तमाम हेड में हम कार्रवाई करेंगे ताकि पीसफुल फेयर और फ्री इलेक्शन हो सके। मेन जो किया है तो इसका जो मेन सोर्स हमें जो मिलता है ये जनरली यूपी साइड से आ रहे हैं। आर्म्स का जो सोर्स है चाहे वो कट्टा हो या पिस्टल हो, तो पिस्टल का तो हमें मध्य प्रदेश का भी सूचना मिलता है जो मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जो कट्टा है वो मेनली यूपी साइड से आ रहे हैं। यहाँ का भी कोई सरगना तो हो, जो हमारे पास जो भी FIR दर्ज हुआ है तो इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। हमारे पास जो भी सूचना आता है, हमने एक नंबर भी कंट्रोल रूम का जारी कर रखा है, तो जो भी हमें सूचना आता है तो हम ज़रूर उस पर पहुँचते हैं और उनको हम जो भी उचित सेक्शन में है वो हम कार्रवाई करते हैं, तो उसमें हमारा इम्फेसिस जरूर है। जिसके भी सूचना आता है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। अब ये जरूर है जो हर केसेस में हमें जो माल है एनडीपीएस का वो मिलता नहीं है तो मुकदमा दर्ज नहीं होता है, बट जो भी उचित कार्रवाई है वो एनडीपीएस मामले में किया जा रहा है। मतलब एक बच्चा है जिसका गंगा जी कुटी वाला चल ही रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर के किस तरीके से हम टीम का गठन करके या किस तरीके की तकनीक यूज करके इस बारे में क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ये मिसिंग पर्सन का बात है या 363 में जो मुकदमा दर्ज होते हैं, तो इसमें हमने काफ़ी मोस्ट ऑफ द जो केसेस है उसमें हमने डिस्पोजल कर दिया है, हम दस्तयाब कर लेते हैं। लेकिन ज़रूर है जो कुछ केसेस अभी हमारे पेंडिंग है जो आपने बोला है, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। एज सच जो मिसिंग पर्सन है उसका SOP आता है उसको हम फॉलो करते हैं, तो वो कार्रवाई किया जा रहा है।